राम राम सा। गुरु जी है नाम ऑनलाइन चैनल में स्वागत है सा। दोस्तों राजस्थान का लोक देवता स्टार्ट कर से आज, और राजस्थान का जगह लोक देवता है। अन लोक देवता ही क्यों कहवे, लोक देवता ये वास्ते कहवे कि जगह जनमानस में जगह पूज्य है जगह महापुरुष सा, वह अठे काम में ये समाज के लिए कुछ भलो काम कर गया, चाहे समाज ने एक रूपता में बांध गया हो, चाहे नारी की जिकी रक्षा है वह कर गया हो, चाहे गायों की रक्षा कर गया हो, चाहे कोई भी जनहित को काम कर गया हो, और भी के लिए आपका जगह प्राण है वह दे दिया, भी की बजवान अपन लोक देवता कहाँ, और अपन जिज्ञा जिज्ञा है वन थान देवल देवरा के रूप में अपन पूजा, और वहाँ के लिए अपन रात में कई बार जागरण लगावा, कई बार अपन जम्मू देवा, कई बार अपन वहाँ के लिए फड़ बचावा, तो तरह तरह का अपन पूजन करा, तरह तरह का आका मंदिर है, तरह तरह के जगह आका मंदिर है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं पर आंके बारे में अपन अध्ययन करने वाला, खटा को जन्म हुयो, खटा को मृत्यु हुई, या फिर खटा की समाधि है, और के आपके जीवन में काम करया, वह तमाम प्रकार की चीज़ें ये वीडियो में पढ़ने वाला, तो मेरे साथ ही बने रहो। और आज आप लोक देवता स्टार्ट कर सें, और वो वीडियो है जो को डिमांड के रूप में राजस्थान लैंग्वेज में मैं प्रयोग कर रहे हूँ, बाकी मेरी जो कि ऑथेंटिक है मैं हमेशा हिंदी में ले हूँ ये वास्ते है कि ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे, लेकिन वो वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी में ही बनाने की कोशिश कर सूँ। दोस्तों ए सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन थन दिख रहा है राजस्थान का गोगा जी रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, एग्जाम आएडा है, तो पहली आप गोगा जी को अध्ययन कर सें, बिके बाद में फाचो आर थाना है क्वेश्चन है एक एक कर थाना बता सूँ का क्वेश्चन को स्टैंडर्ड है वो की हिसाब हो आवे, और अपन कितनी कितनी चीज है वह ध्यान में रखनी, बाकी बकवास चीज़ें ना अपन उड़ा देनी है। देखो भी आगे बढ़ना पहले मैं थाना ये बताना चाहूँगा राजस्थान के माने पाँच पीर है वह थाने देखने मिले, और एग्जाम में हर प्रकार को क्वेश्चन में ई पार क्वेश्चन है अपन मिल ही जाए घूम फिर, वो क्वेश्चन यह मिले कि राजस्थान के माना निम्न में से पांच पीर हैं, तो वहाँ पर तीन दे दिए जाएंगे और एक आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है, तो आपको पांचों का नाम पता होना चाहिए। ये ट्रिक है पूरे राजस्थान में कहीं भी आपको ये मिल जाएगी, सब जगह मिलती है और मैंने भी ये यूज की है, तो गोरापा हमें तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और इससे आपको पांचों जो पंचपीर हैं वो आपको नाम याद हो जाएंगे। तो पहले जो गो है भी हूँ अपन गोगा जी बनाना है, और भी के बाद में रा है भी हूँ रामदेव जी बनाना है, भी के बाद में पा है भी हूँ पाबू जी बनाना है भी हूँ हड़बू जी बनाना है, मैं है भी हूँ मेहा जी बनाना है, तो पांचों अपन बना देना है और एग्जाम अपन क्वेश्चन है वो सही कर देना है। देखो भी के बाद में आप पढ़ से आज गोगा जी, और गोगा जी के बारे में जितनी भी हिस्ट्री है जितना भी चीज़ है जितना भी क्वेश्चन आने वाला है बस थके सागे मैं डिस्कशन जरूर कर सूँ। तो गोगा जी है पहली बात है गोगा जी हाँ चौहान वंशी है राजपूत हा, और वहाँ को जन्म हुए वो खटे हुए हो, और वहाँ का माता पिता कौन है, वहाँ की घोड़ी कूनी सवारी कूनी, एग्जाम में क्वेश्चन किस वासी वो भी बात आप कर सें। पहले देखो मैं थाना बताऊँ गोगा जी का कई उपनाम हा, गोगा जी ने के कहता, गोगा जी कहता जहार पीर जो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करो भी टाइम जिंदा देवता के रूप मान जहार पीर की उपाधि दी संज्ञा दी, तो जहार पीर कहवा है बाद मान श्यांपा का देवता कहवा है यानी सर्पा का देवता भी अन कहवा है, क्योंकि अगर गोगा जी का कहवा है कि अगर कोई श्यांप खा जावा है और गोगा जी गोगा मेडी में ले जावा तो गोगा जी को जो श्यांप है भी वो आदमी बच जावा है, यहाँ लिए चीज़ें है चीज़ें हुआ भी है गाँव का मान और आज भी माना अन लोग, फिर बाद में आन गोगा पीर के नाम जानी जाए, फिर बाद में आन गाया की रक्षा करे गोरक्षक के नाम आने जानी जाए, तो अलग अलग नामों आन जानी जाए, बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो गोगा पीर और जाहर पीर, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो अगर जन्म की बात करें तो जन्म आँखो यो चूरू पड़े ददरेवा गाँव पड़े चूरू के मान भठा को जन्म यो, और भी के बाद में अगर पिता का नाम है वो है श्री जेवर सिंह और माता का नाम हो बाचल दे, देखो और आगे जी सवारी ही बा घोड़ी ही भाई को नाम नीली घोड़ी, तो आ चीज़ ध्यान रखो एग्जाम में आने वाली चीज़ को नहीं, बेसिकली जो क्वेश्चन आसी वो जन्म रिलेटेड आसी जन्म खटे हुए वहाँ को ददरेवा चूरूम, देखो बादशल दे ही बादशल दे के टाबर को नहीं हो टाबर न होने की बजाय गुरु गोरखनाथ जी को आशीर्वाद मिलो, ए गुरु गोरखनाथ जी भाई है थाने अगर याद आवे तो मैं थाने पढ़ायो नाथ संप्रदाय संत और संप्रदाय पढ़ायो बिगमान था नाथ संप्रदाय पढ़ायो, और नाथ संप्रदाय के माने में थाने नौनाथ बताया, नौनाथ का मैं था नाम बोल रहे बताया, और बांग एक नाम बताया था ना गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ भाई है और बांग का आशीर्वाद हूँ गोगा जी को जन्म हुए और आंके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और अगर गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद हूँ प्राप्त हुई है तो वो चमत्कारिक टाबर तो हुई सी और चमत्कार दिखा है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आवा आपने, और हम अपने माँ बाप को भी नाम करो और आपने समाज को अपने राजस्थान को नाम भी आगे बजाऊँ ऊंचो हुए, तो आके बारे में और जिको और चीज़ कहवा है गुरु गुरु गो लियो और भी बाद में गोरखनाथ गो लियो, तो आने आप गुगो भी कहवा
ये लोकल भाषा में आप कहाँ गुगो जी दो कहाँ, तो गुगो जी के हिसाब और चीज़ धन ध्यान रखनी है। अगर जो प्रतीक चिन्ह है वो सरप है, और देखो बिखे बाद में गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो, एक आ लाइन है। ये लाइन को अर्थ किया है कि गांव गांव में आपन अपन ठाए गांव गांव में हर गांव में खेजड़ियाँ गिनी हुए, और खेजड़ियाँ के नीचे जो थान बना रहा आप जगह पूजा वह गोगा जी हुए, और गोगा जी की मूर्ति स्वरूप पत्थर के ऊपर आप एक सांप की सी आकृति बना लिया, और बिग बाद में बन आप गोगा जी मान लिया और बैठे आप धोक दे दें। तो बेसिकली जो आपको वृक्ष है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे आके पूजा थान बनाई जाए, तो वो थाने बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जाम में यूं रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन चुके हैं, आगे भी थाने क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांसेस है। अब देखो गोगा जी के जीवन में एक घटना और हुआ है। गोगा जी को गाया की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण है वो निछावर कर दिए। गोगा जी को एक मोशेरो भाई आ अर्जन सज्जन वे आ मुसलमाना के साथ मिल गया, और मिलने की वजह जो को आका प्राण है गाया की रक्षा के लिए त्याग निछावर कर दिया। और मोहम्मद गजनबी भी टेमान ने बोलिया जाहर पीर, तो मोहम्मद गजनबी ने इनको उपाधि दी थी, वो कौन सी थी, जाहर पीर की उपाधि थी यानी जिंदा देवता, और इसे लिए अन लोक देवता के रूप में अपना पूजन लाग रहे हैं। बिग बाद में गोगा जी को एक रसावलो है वो लिखियो कवि में लिखियो, और बिग माने यहाँ बतायो गोगा जी की जो वीरता है बिगो वर्णन है खूब जुबड़ चढ़ करो, और मुसलमाना के विरुद्ध जो युद्ध लड़े बिग माने गोगा जी कत्तव वीरता को प्रदर्शन करो वो एक मान गोगा जी का रसावला में अपन देखने मिले। बिग बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वह अपन ध्यान रखनी है, शीर्ष मेढ़ी धुरमेढ़ी और जो निचलो अड़ंगो सहारो है वो सारो को सारो इंपॉर्टेंट है, वो अपन एग्जाम में न्यू को न्यू रटर जानो है ताकि अपन एग्जाम में क्वेश्चन गलत को नहीं उसके। देखो शीर्ष मेढ़ी बिन कहवा जो कि गोगा जी जब युद्ध कर रहा और बिग बाद में आपको शीश कट जट पड़ो बिन बोले शीर्ष मेढ़ी वह है अपने ददरेवा जो आपको जन्म स्थान हो ददरेवा चुरू कमान, और भट्ठे आंको शीर्ष मेढ़ी है, और धुरमेढ़ी है जटे आँख धड़ पड़ी बिन बोले धुरमेढ़ी, और वह है गोगामेढ़ी, और गोगामेढ़ी खटे है नोर तहसील है और हनुमानगढ़ जिलो है। तो ऐ थाने जरूर जरूर रटनो है एग्जाम में, आऊँ रिलेटेड क्वेश्चन है बार बार पूछे जा चुके, अब बार आप 5000 रुपये क्वेश्चन कर सियान बी कमान में बहुत सारा क्वेश्चन है हम वो मिल जीसी। देखो बी के बाद में गोगामेढ़ी का माने मेड़ो ब्रिज है हमेशा प्रतिवर्ष ब्रिज है, और प्रतिवर्ष कद ब्रिज है वो है भादवे की कृष्ण नवमी। तो अपन डायरेक्ट अगर इन याद रखनी है बहुत याद रख लेते हैं गोगा नवमी बोला आप मारवाड़ी भाषा में कहे वही गोगो के दाव गोगा नवमी, तो भादवे की कृष्ण नवमी, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो ठंडा बोलो, कृष्ण पक्ष वो है जो काड़ो जो अंधेर हो यानी कृष्ण जी ने काड़ो रूप दिए बताया गया है, तो कृष्ण जी कृष्ण पक्ष वो हो गया, शुक्ल पक्ष को अपन चांदनु काड़ो पक्ष, तो चांदनु पक्ष तो चांदन पकड़ो सुकुलनो बोला, अगर भादवो शुक्ल दशमी की बात हो जाए तो वो तेजाजी हो जाए, तेजाजी को मेड़ो ब्रिज है भादवा शुक्ल दशमी, तो अठे कंपेरिजन आपने यह हो जाए कि भादवो कृष्ण नवमी इन तो बोला गोगा नवमी, भादवा शुक्ला दशमी इन बोला गोगा तेजा दशमी, तो ऐ चीज़ें आपन यहाँ कंपेरिजन कर पड़ सो तो थाने याद रह जी। बाकी मैं अगर मेला त्यौहार थाने पटा सूँ भी मैं भी कोशिश कर सूँ कि कंपेरिजन कर थाने मैं पटा सूँ ताकि थाने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नंबर आ सके। बिग बाद में एक चीज और है वह है गोगा जी की ओल्डी इन बोले जो कि छोटे टाइप में झोंपड़ी टाइप में है वह कटे है सांचोर जालोर का मान है, और भट्ठे भी गोगा जी को मंदिर है और भट्ठे भी मेड़ो है वो भी ब्रिज है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन है एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके। गोगा मेढ़ी को जो निर्माण है वो कौन कराए भी के बारे में आप थोड़े से जान लिया, गोगा मेढ़ी को जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक कराए, और कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक हनुमानगढ़ का नहीं आयड़ो और कोई युद्ध में भाग ले रहे हो बी टाइम बैठे रेस्ट कर रहे हो भी मेड़ी के आसपास, तो भटों रात ने बिन गए घोड़ा दिखा और प्रकाश मान कोई बिन चीज़ा दिखी, तो ब्यू बिन एहसास हो गया ठकीन की कुछ इनको जो वीडियो है भी की बजाऊँ, तो वह बैठे बैठे एक गोगा मेढ़ी को जो मंदिर है बिको निर्माण करायो, और जो मंदिर को जो आकृति है वह है मकबरे नुमा है, और मुख्य द्वार पर एक के लिखेड़ो है बोली खेड़ो है बिस्मिल्ला, तो ये चीज़ें ध्यान रखे थे। मुख्य द्वार पर तो लिखे थे मकबरे नुमा आकृति है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्ला लिखे थे, और बी के अलावा अगर मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप है वो कौन दियो बीकानेर को सुको शासक हो गंगा सिंह, इसके बारे में भी आप अध्ययन कर चुके हैं, बीकानेर का राठौड़ वंश है वो पढ़ चुके हैं, और बीकानेर को राठौड़ वंश हो गंगा सिंह वो इको वर्तमान स्वरूप है मंदिर को दियो, तो दोनों चीज़ें थाने एग्जाम में याद रखनी है। बी के बाद में देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं भाई अपन याद रखनी है, बी के अलावा गोगा जी का जो नृत्य हुआ है मेला के टाइम में जो आंको हुआ है गोगा नवमी बी टी एम में आंका जो गोगा मेढ़ी अपने गाँव का मान जगह जगह बनेड़ी हुआ है वह मान लोग है जगह आंका गोपा बोली दी हो चाहे आंका जगह भगत बोल दियो, जो भगत है वह एक रहे डेरू वाद्य यंत्र को प्रयोग करें, और जब मैं थाना वाद्य यंत्र बता सूँ बी टी एम भी थाना मैं एक बार बता सूँ एक बार में
डेरू वाद्य यंत्र के बारे में खूब बता दूँ। डेरू है डमरू को एक बड्डो, डमरू है वो भी को बड्डो रूप हुआ है, यानी भी डमरू तो छोटो जाए और वो डमरू को बड्डो रूप है, और लकड़ी की एक डंडी हुई बजा और वह आगे पीछे उतारा भोपा वी का भगत गोगा जी का भगत हुआ जगह। तो एक वीडियो में था दिखाना चाहता हूँ लेकिन वीडियो के कॉपीराइट के अगेंस्ट है, वैसे मैं सन कुछ चीज़ें दिखा कौन पाऊँ। और जगह वो एक गोगा जी का भगत है वह सांकड़े की खाता रहा और वहाँ गए मतलब बिल्कुल दर्द को एहसास भी कौन हुआ, तो एक भक्ति में शक्ति है सा। अब देखो वो थाने याद रखना डेरू वाद्य यंत्र भी के बाद में थाने जो किसान है वो अगर हल जोतन न जावे तो हल तो अब जगह हल बाई जाए बीन बोले हल, और जो हड़ी हुआ है जो आदमी हुआ है बीन पकड़ पीछे पीछे ठल रहे जहाँ अगर आगे कोई भी कोई पशु है बी के पीछे हड़ जोड़ जोड़ो मान लो तो इन तो बोल दी हड़, और जो उठा आदमी इन बाहर है बिन बोला हाड़ी, तो हड़ हाड़ी दोनों ने राखी बांधे बिन बोला गोगा राखड़ी। तो आ चीज़ भी ध्यान रख लिया, गोगा राखड़ी बेसिक सी चीज़ है, गोगा जी के नाम पर विशेषता है भी के अलावा अब बहुत बढ़िया विशेषता है एग्जाम में आने लायक चीज़ है कि धार्मिक सद्भावना को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी अठे गोगा जी के मंदिर में अपन मिला है कि एक हिंदू मुस्लिम और एक मुस्लिम और एक हिंदू अठे पुजारी हुए, यानी एक तो मुस्लिम उसी एक हिंदू सी, और गोगा जी जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं क्योंकि अभी तो अपन ठाई पड़ेगा इन आन हिंदू भी माने आन मुस्लिम भी माने और ई वास्तान पीर के वे। तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं। अभी के अलावा एक चीज़ मैंने और मिली देखने कि जो रणकपुर प्रशस्ति लेख है आपनों 1439 ईस्वी में लिखे भी माँ भी गोगा जी के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, वो बटे मिला है वीरता के बारे में, तो आ चीज़ भी थे जरूर ध्यान रखें। अब आप पाचा चाल छ और पाचा जा रहा क्वेश्चन जगह छोड़ रहा है कर सियाँ ताकि आपने एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट हो सके। देखो पहलो क्वेश्चन आप ले सियाँ गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी डायरेक्ट अपन गोगा नवमी के भादवे की मैं थाने बताई कृष्ण पक्ष की नवमी, तो डायरेक्ट कुन ही मत देखो ना डायरेक्ट अट जाओ भादवा कृष्ण पक्ष की नवमी, तो वो क्वेश्चन सही हो गयो। एक बाद में दूसरा क्वेश्चन देखा गोगा जी का प्रमुख जो मेलो है गोगा मेढी हनुमानगढ़ में बढ़ता है जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है, मैं तुमने बताया कि दूसरा मेलो सांचौर जो कि गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जालौर में बैठे यहाँ को, दूसरा मेलो परिजर बैठे यहाँ को मंदिर है, तो गोगा जी की ओल्डी ऑप्शन पढ़ो डायरेक्ट अठू डायरेक्ट ठोक दो। बिग बाद में तीसरा है गाँव गाँव में खेजड़ी गाँव गाँव में गोगो, ठीक है आ कहावत है जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे, तो भाई आ कहावत गाँव गाँव में गोगो नाम आते ही थे डायरेक्ट अटे ठल दो और वो है चूरू, और अगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में हो तो कटे दुरमेड़ी शीर्षमेड देड़ तो बटे ठोक देता। तो आ चीज़ें हैं बिग बाद में अगर राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो महमूद गजनवी साहब युद्ध एक ही करियो वो डायरेक्ट गोगो, तो गोगा जी आपने कर देना है। फिर बाद में क्वेश्चन आयो गायों की रक्षा अपने प्राणोत्सर्ग देने वाले कौन से प्रसिद्ध हैं, देखो अब चीज़ें हैं जो कि कुछ है बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा रिपीट होती है। बिग मान देखो कई गाय का रक्षक कहे जैसी, कई है श्यामपाड़ा देवता कहे जैसी, तो वह बार बार है कुछ अलग अलग होशी, तो वहाँ के लिए आप लास्ट के मामले में था ना एक एक वीडियो अलग दे दूँ बिग मान ये थाना बता दूँ ए गाय का हो ओ इन अलग अलग नाम है जिसका मैं थाना दे दूँ ताकि थाना कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होनी हो। फिलहाल के लिए एक मान गोगा जी भी जगह गाय की रक्षा करी, तेजा जी भी गाय की रक्षा करी और बाबू जी भी गाय की रक्षा करी, तो तीनों है जगह गाय की रक्षा करता है अपना प्राण है वह दे दिया, तो तीनों का नाम एक मान उपयुक्त सभी ऑप्शन में सही सी। फिर बाद में स्थान जट है गोगा जी को जन्म हुयो, भाई बात गोगा जी को जन्म खटे हुयो आँख मीच आँख रात ने भी कोई थाने पूछ लिया गोगा जी को जन्म खटे हुयो, गोगा जी को जन्म जद्रेवा चूरू में हो, तो थाने बूढ़िया भी पूछ सके ऐसी कोई बात को नहीं, बूढ़िया का भी कुलकुली माचा है कई बार पूछने की, वह टेस्ट करता रहेगा एग्जाम वो कत्तों पड़ है व्हाट्सएप चला फेसबुक चला या फिर पड्डा भी है। तो जार पीर के नामों कौन सा लोक देवता जाना जाता है, तो जार पीर के नाम से मैंने बताया था मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी का देखो गैस है गजनवीर गैस है गोगा, तो गोगा जी। उसके बाद में गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है, तो गोगा जी का मेला साहब भादव मनम्बर है गोगा नवमी और भादव मीनो कृष्ण पक्ष की नवमी, कृष्ण पक्ष यानी काड़ो पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी चांदन पक्ष, यहाँ ठोक दिया करो मारवाड़ी के वहाँ। लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो किस पेड़ के नीचे बताया, मैं बताने बताया ना गांव गांव में गोगो और गांव गांव में खेजड़ी, तो गांव गांव में खेजड़ी तो खेजड़ी वृक्ष। तो ऐ देखो ऐ सारा का सारा क्वेश्चन है ई टाइप का क्वेश्चन आ था ना यहाँ आइडियो ला गयो। देखो अपन लोक देवता में के पढ़ना है, लोक देवता में तो पढ़ना है गोगा जी को की भी संत जो भी लोक देवता है भी को जन्म कटे हुए बी के बाद में भी का मंदिर कटे कटे बी के बाद में भी का उपनाम है वह के है बी के बाद में की भी विशिष्टता है वह देखनी है, बी के अलावा कोई थोड़ी बहुत कहानी है मैं थानू बढ़िया कहानी की सुना सूँ ताकि थाना भी इंटरेस्ट बने रहे। ये वीडियो में थाना तो ही और अगले वीडियो में मैं और भी लेता रहूँ थाने नीचे जा कमेंट बॉक्स में जका चीज़ें हैं मैं थाने एक दो पूछने चाहूँ
के जो डेरू वाद्य यंत्र में थाने बताए हो वो अवनद वह ताल वाद्य को एक रूप है, तो भी कबारम थे और भी बता सको के जो अवनद और ताल वाद्य है वे किन के वह यहाँ के चीज़ बता सको, मतलब यहाँ थाने चीज़ा बतानी है। अभी के अलावा थाने जी खेजड़ी वृक्ष में थाना जिक्र करो खेजड़ी वृक्ष को भी को थे बोटनिकल नाम मन बता सको भी के अलावा खेजड़ी वृक्ष को जो राज्य वृक्ष है बिन कद घोषित करो यहाँ की चीज़ आया कमेंट बॉक्स में मन जार थे बता सको ताकि आपने एक इंटरेस्ट भी बना रही और मेरे वीडियो बनाने में मजो भी आसी। तो ई वीडियो में थाना तो मैं पहले कह दियो और अब भी कहूँ अगर आसान लैंग्वेज पसंद ना आई है तो भाई कालू हमारी हिंदी स्टार्ट कर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय।